Assalamu alaikum class. Hope you all are fine and safe in your home. I am also fine and safe, alhamdulillah. So class 1, I am your science teacher, Miss Tuba. Let's go to the unit number 2, which is... So yeah, class 1, this is your chapter number 2, which is human beings. Human beings का मतलब तो आप सबको पता होगा. Human का मतलब क्या होता है? इंसान. Human beings, तमाम इंसान, ठीक है? सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है, People from different parts of the world look different. People मतलब लोग, तमाम लोग, दुनिया के तमाम लोग, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनके पार्ट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लुक डिफरेंट. दुनिया के तमाम लोग अलग अलग हिस्से से सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है. देयर कलर्स फेसेस हाइट्स आर डिफरेंट. उनके कलर, उनका चेहरा, ठीक है, उनकी हाइट और वो आपस में सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है. बट दे ऑल हैव द सेम पार्ट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक अ नोज फॉर स्मेलिंग, आइज फॉर सीइंग एंड एयर्स फॉर हेयरिंग. लेकिन उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि सबके सेम होते हैं, जैसा कि अ नोज फॉर स्मेलिंग. जैसे नोज के, सब नोज के ज़रिए सांस लेते हैं, नोज के ज़रिए किस चीज़ों की को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं. आइज फॉर सीइंग, आँखें से ही सब देखते हैं, ठीक है. एंड एयर्स फॉर हेयरिंग, और कानों से ही सब सुनते हैं, ठीक है. ये सब ह्यूमन बींग्स होते हैं. दुनिया के तमाम अलग अलग जगह के रहने वाले लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनके कलर, उनके चेहरे और उनके हाइट. लेकिन उनकी जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो सेम होते हैं, जैसे नोस, आईज, ईयर्स, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो या क्लास, दिस इज योर नेक्स्ट पेज, विच इज़ पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. अवर बॉडी पार्ट्स, अपनी हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर लिस्ट ब्लो. हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स नीचे लिस्ट में दिए गए हैं. जैसे कि नंबर 1 है फोरहेड. फोरहेड इज द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आईज. हमारी आईज के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? फोरहेड कहते हैं, ठीक है. इसके बाद है आईज. Eyes help us to see. We have two eyes. Eyes की मदद से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. और eyes कितनी होती हैं हमारे पास? Two eyes होती हैं. इसी तरह nose help us to breathe and also smell something. Nose हमारे क्या करती है? Nose हमें किसी भी चीज़ को सूंघने में मदद देती है और हमें सांस लेने में मदद देती है. Arms, arms आपको पता है क्या होते हैं? हाथ. Arms help us to reach for thing. Arms की मदद से हम चीज़ों को उठा सकते हैं, उनको ऊंची जगह से चीज़ों को हम उठा सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से हैंड्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड टचिंग. अ हैंड हैज़ फोर फिंगर्स एंड वन थंब. हैंड्स मतलब हाथ. हाथ क्या होता है हमारा? हाथ की मदद से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं. हमारे हाथ में फोर फिंगर्स होती हैं और वन थंब होता है, ठीक है. नीज हेल्प बैंड द लेग्स. नीज मतलब हमारे घुटने. घुटने हमें क्या करते हैं? बैठने में मदद देते हैं, ठीक है. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. बी सेफ इन योर होम.